नमस्कार दोस्तों, यथार्थ अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लासिकल थियोरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया था। उसमें सबसे पहले हमने हेनरी फेयोल के थॉट प्रोसेस, उनके व्यूज़ को जानने का प्रयास किया था। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए जिससे आप इस वीडियो में बताए जाने वाले कंटेंट को आसानी से समझ सकें। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हेनरी फेयोल का जो दो स्पेशल, उनके जो दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो पहला ये था कि द साइंस ऑफ मैनेजमेंट शुड रिप्लेस द रूल ऑफ थंब, और दूसरा ये था यूनिवर्सलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, कुछ 10, 12, 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर आप अप्लाई करें, वो चाहे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, प्रॉफिट टाइप का अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन प्रिंसिपल्स को आप उस ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करें, ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू सक्सेस। आपको ये भी बताया गया था कि जो इम्पोर्टेंस टेलर का अमेरिकन सोसाइटी के लिए था, अमेरिकन बिजनेस के लिए था, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, वही इंपॉर्टेंस फेयोल का यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन बिजनेस, यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी था, स्पेशली फ्रांस के लिए था। तो उसमें बताया गया है आपको कि फेयोल ने कुल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को 6 फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड किया। पहला क्या था, कुछ ऐसे था, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। ये 6 फंक्शनल ग्रुप में इसको डिवाइड किया था। और ये टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड सिक्योरिटी, ये सारे के सारे सेगमेंटल थे, जबकि मैनेजमेंट जो था वो इंटीग्रल था। ठीक है, मैनेजमेंट के भी इन्होंने 5 मेन एलिमेंट बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप इसको पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिया, उसको उन्होंने फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल कहा। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल इसीलिए कहा कि वो किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई किए जा सकते हैं, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी हो, छोटी हो, सब पे अगर अप्लाई किया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होंगे। इन जो प्रिंसिपल्स हैं, इनमें ये एबिलिटी है कि अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ये फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, तो जो पहला प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। लगभग सभी क्लासिकल थिंकर्स की जो मेन थियरी है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। आपने देखा होगा डिवीजन ऑफ वर्क, टेलर ने भी डिवीजन ऑफ वर्क की बात की थी। अगर आप उसको याद हो तो टेलर ने भी डिवीजन ऑफ वर्क की बात की थी। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग्स टू नेचुरल ऑर्डर। अगर आपकी कोई प्रोड्यूसिंग कंपनी, कोई प्रोडक्ट आप एस्टेब्लिश प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उसमें क्या है कि अगर छोटी सी कंपनी है, कोई सपोज कीजिए कोई टी वेंडर है, चाय बनाता है, तो वो क्या करेगा, अकेले बना सकता है चाय, अकेले कुछ 150 लोगों को वो डिलीवर कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक कॉफ़ी हाउस खोल लिया, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई आपको, तो आपको क्या होगा कि अपने वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। आपने एक कॉफ़ी हाउस खोला, एक उस पर एक सर्विंग एजेंट होगा, एक ऑर्डर लेगा, कुछ लोग जो है कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है उसके लिए रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहे होंगे। इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग्स टू नेचुरल ऑर्डर, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन साइज, ऑपरेशन या नंबर में बढ़ता जाता है तो वर्क जो है नेचुरली डिवाइड होना चाहिए, नेचुरली डिवाइड होगा ही। इनका कहना था कि डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग्स टू नेचुरल ऑर्डर। डिवीजन ऑफ वर्क से होता क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क लेड्स टू इंक्रीज इन एबिलिटी एंड एक्यूरेसी। अगर वर्क डिवाइड होगा, किसी एक यूनिट पे कोई एक पर्टिकुलर वर्कर, किसी एक यूनिट पे कोई एक पर्टिकुलर वर्कर काम कर रहा है,
तो क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसकी एक्सपर्टाइज इस काम को करने के लिए बढ़ेगी, इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट होगा अगर किसी एक पर्टिकुलर काम पे ये किसी एक पर्टिकुलर वर्क पे ये काम कर रहा है काफी दिनों के लिए, तो इसकी एक्सपर्टाइज क्या होगी, ज्यादा होगी इस काम के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस डिवीजन ऑफ वर्क इमर्जेस नेचुरली, वही बात जो हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क शुड नॉट बी ओवरडन, बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ऐसे सपोज कर लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई ऐसे एम्प्लॉय होंगे, कोई ऐसे वर्कर होंगे जो इंजन पे काम कर रहे होंगे, कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो व्हील्स पे काम कर रहा होगा, कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो कार की बॉडी बना रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसे में क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन है, उसकी स्पेशलाइजेशन है कि वो इंजन पे काम कर रहा है, दूसरे की स्पेशलाइजेशन है कि वो बोनेट पे काम कर रहा है, बॉडी पे काम कर रहा है, तीसरे की क्या है कि वो व्हील्स बना रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी बैलेंस्ड, बहुत ज्यादा ओवर डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गियर बॉक्स बना रहे हैं अगर आप, तो गियर बॉक्स में कई वर्कर लग जाए, क्योंकि अगर पांच गियर है, सपोज करो आप कहेंगे कि हम पांचों गियर के लिए पांच वर्कर यूज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे क्या होगा कि कंफ्लिक्ट अराइज होगा, ठीक है, कंफ्लिक्ट अराइज होगा। आप इतना ज्यादा अगर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो इनिफिशियंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी, ठीक है। सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी इज अ राइट टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट, जो क्या कहते हैं इसको, सत्ता कहते हैं, प्राधिकार। प्राधिकार यह होता है कि आपका जो सबऑर्डिनेट है वो उससे आप काम निकालने की क्षमता रखते हैं, आपको काम निकालने का अधिकार है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, तो इसमें क्या होगा कि देयर शुड बी रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ड्यूटीज एंड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में एक रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पोजिशन की अथॉरिटी ज्यादा हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो अथॉरिटी कम हो। क्या होगा अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होगी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप है, वो डिक्टेटरशिप में जनरेट हो जाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो अथॉरिटी से, तो सिस्टम में एनार्की जनरेट होगी। एक एग्जाम्पल बहुत ही प्रिवेलेंट है, वैसे इसको कभी लिखिएगा नहीं, लेकिन समझने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को देख लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट में क्या है कि सारी की सारी अथॉरिटी अभी अगर देखा जाए अपेरेंटली तो एलजी के पास है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, केजरीवाल गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो केजरीवाल को देखा होगा आपने, बार बार गवर्नर को डिक्टेटरशिप बोलते हैं, डिक्टेटर बोलते हैं, ठीक है, और गवर्नर को या और लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है पूरी की पूरी एनार्की है सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक के रिस्पॉन्सिबल है, वो काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन अथॉरिटी किसके पास है, सारी की सारी गवर्नर के पास है, ठीक है। तो ये समझने के लिए है, लिखिएगा इसलिए नहीं क्योंकि ये पॉलिटिकल आंसर हो जाता है, पॉलिटिकल आंसर, पॉलिटिकल चीजों से हमें हमेशा अवॉइड करना होगा, ठीक है। तीसरी क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होती है, डिसिप्लिन क्या है, कंप्लायंस बाय पर्सनल टूवर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा टेलर ने भी इसकी बात की है, टेलर ने भी डिसिप्लिन की बात की थी। शॉप डिसिप्लिनेरियन एक फंक्शनल फोरमैन था जो ये इंश्योर करता था कि लोग रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेम यहां भी है, इन्होंने कहा कि देयर शुड एम्प्लॉय शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए इन्होंने क्या किया, पेनाल्टी रखा अगर कोई डिसिप्लिन रूल्स वायलेट कर रहा है, नॉर्म्स रेगुलेशंस वायलेट कर रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि राइट प्रोपोर्शन में पेनाल्टी देनी चाहिए, और जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं रेगुलेशन, अब रूल्स रेगुलेशन क्या है, टाइम से आना, जो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहनना, कुछ अगर आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग का काम हो रहा है तो हेलमेट लगाना, इस तरह की चीजें, तो इसके लिए रिवार्ड एंड पेनाल्टी की व्यवस्था किया जाए। फोर्थ क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, जो सबऑर्डिनेट होगा वो एक ही सुपर ऑर्डिनेट से कमांड रिसीव करेगा,
ये लीनियर टाइप ऑफ सुपरविजन है, जबकि आपने टेलर में देखा होगा, टेलर इसके खिलाफ थे। टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप की एक कंसेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एक सबॉर्डिनेट 8 सुपरऑर्डिनेट से सुपरवाइज होगा, 8-4 फंक्शनल फोरमैन, उन्होंने फंक्शनल फोरमैन रखा था 8-4 मैन, ठीक है। जबकि ये कहते हैं कि 1 सबॉर्डिनेट शुड बी गिवन कमांड बाय 1 सुपरऑर्डिनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा सुपरऑर्डिनेट होंगे, एक से ज्यादा सुपरवाइजर होंगे किसी एक को कमांड देने के लिए, तो इनका कहना था कि बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो इम्प्लाई होंगे वो एक दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी एक दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे। जैसे कि अगर कोई ये सुपरवाइजर S1, S2, S3 एंड सो ऑन S5 है और ये सबॉर्डिनेट है, ये इन लोगों के बीच में गेम खेल सकता है, ये बोल सकता है कि हमने इनको तो बता दिया था, इनको ये पूछेंगे कि आपने ये काम किया कि नहीं, वो बोलेंगे हमने इनको बता दिया था, ठीक है। तो ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ देर वुड ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि इस तरह के कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉई काम करते हैं, ग्रुप में भी काम होता है, यूनिट्स बने होते हैं। इन्होंने कहा कि जो गोल होना चाहिए वो सभी यूनिट्स का क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के गोल के लाइन में हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, और यूनिट्स हैं ये यूनिट्स हैं, ठीक है, तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो और जो इन यूनिट्स के गोल होंगे वो इनसे कमेंसुरेट करने चाहिए, इनके गोल के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तभी यूनिटी ऑफ कमांड होगा। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो सकता, ठीक है। इसको और एग्जांपल से भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब जैसे आप देख लीजिए कि कार मेकिंग कंपनी है, ठीक है, कार मेकिंग कंपनी है, कोई इंजन पे काम कर रहा है, कोई बोनेट पे काम कर रहा है, कोई व्हील्स पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये एफिशिएंट है, व्हील पे काम करने वाले बहुत एफिशिएंट हैं। अब ये इस कंपनी का क्या मेन गोल क्या है? मेन गोल है अधिक से अधिक कार प्रोड्यूस करना विद इन अ ईयर। व्हील्स बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर ले रहे हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, ये ज्यादा इफिशियंट है। इनका इंटरेस्ट क्या है? ये जितना ज्यादा से ज्यादा व्हील प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा इनको रिवार्ड मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है? हमें एक ईयर में मैक्सिमम जो है कार प्रोड्यूस करना है। ये सारे के सारे इसके हिसाब से अपनी बॉडी या इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका गोल इन दोनों के गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल से ज्यादा डिफरेंट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका इंटरेस्ट इन दोनों के इंटरेस्ट से या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ज्यादा हो रहा है, जब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी किसी हायरार्की में हायर लेवल का इंटरेस्ट हो वही प्रिवेल करना चाहिए, वही जो है रूल करना चाहिए, ठीक है। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट होगा वो अपने लोअर लेवल के सभी इंटरेस्ट पे प्रिवेल करेगा, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन। इन्होंने कहा कि जो पेमेंट होगा इंप्लाइज को वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। याद होगा आपको टेलर ने वेज पेमेंट सिस्टम में डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम बताया था परफॉर्मेंस बेस्ड। इन्होंने भी कहा कि जो पेमेंट होना चाहिए वो अटेंडेंस बेस्ड ना होकर परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। किसका परफॉर्मेंस कैसा है वैसे ही इनको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, 8th है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा जो अकाउंटेबिलिटी हो वो हायर लेवल के हाथ में हो, ठीक है। जो लोअर लेवल है वो अकाउंटेबल हो हायर लेवल के इंप्लाइज को, ठीक है।
सेंट्रलाइजेशन बिलोंग्स टू नेचुरल ऑर्डर। जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन नंबर, साइज और ऑपरेशन में बढ़ता है, तो अब मैनेजमेंट और लोअर लेवल, जो एक्चुअल शॉप लेवल, शॉप फ्लोर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके बीच इंटरमीडिएरी बढ़ती जाती है। अब अगर आपकी कंपनी बड़ी हो गई, तो जो टॉप बॉस है उसके बीच में और जहां काम हो रहा है, इसमें बहुत सारे कर्मचारी होंगे, बहुत सारे इंप्लाई होंगे यहां पे, ठीक है, बहुत सारे इंप्लाई होंगे। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, वो किसी भी टास्क को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हो गया कि एक जॉब डिफाइन करते हैं और उसका टारगेट ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं कि ये टारगेट है आपको, इस टास्क का ये टारगेट है, इतने टाइम में पूरा करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन होने से सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाती है, ये डायरेक्ट इस पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या है कि स्केलर चेन एक्चुअली हायरार्की को कहते हैं, ठीक है। हायरार्की क्या है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन है, वो पोजीशन जो सुपरऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो, ठीक है। हायरार्की में क्या हो गया कि जैसे, वैसे आपको पता ही होगा हायरार्की में क्या है, क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन प्रोजेक्ट मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, ठीक है। इस तरह से हायरार्की में ऊपर जाते हैं, ठीक है। हायरार्की क्या है, हायरार्की इज अ पोजीशन इन रिलेशन टू सबऑर्डिनेट, सुपरऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। ये लेवल क्या है, हायरार्की है, ये लेवल क्या है, हायरार्की है, इसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, इसका कोई सब एकदम लोअर, लोएस्ट लेवल पे है, ठीक है। ये क्या है, हायरार्की है, ये भी हायरार्की, टॉप हायरार्की, इसका क्या है, कोई सुपरऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर पूरे की पूरी हायरार्की लाइन ओ टू डी हम टॉप टू बॉटम लें, तो इसको हम कहते हैं स्केलर चेन, ठीक है। सभी हायरार्की व्हेन टेकन टुगेदर, ऑल द हायरार्कीज व्हेन टेकन टुगेदर इज कॉल्ड स्केलर चेन, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी कम्युनिकेशन, अगर लेवल सी पे कोई इंप्लाई है, ठीक है, इसको कोई इश्यू है और इसको इश्यू ओ लेवल तक पहुंचाना है, ठीक है, सबसे टॉप लेवल तक पहुंचाना है, सी क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बी से, ये डायरेक्ट ओ से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। सी क्या करेगा, बी से कम्युनिकेट करेगा, बी ए से कम्युनिकेट करेगा, ए ओ से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब ओ जो सॉल्यूशन देगा वो डायरेक्ट सी को नहीं देगा, वो ए को देगा, देन ए बी को सॉल्यूशन देगा, एंड बी सी को सॉल्यूशन देगा, देन सी विल डिस्पोज द इश्यू, ठीक है। सिमिलर वे में अगर यहां पी को कोई इश्यू हुआ, ओ तक जाना है इसको, उस इश्यू को लेकर, वो पहले एन को बताएगा, एन जो है एम को बताएगा, एम ओ को बताएगा, अगेन ओ जो है उसका जो भी सॉल्यूशन देना होगा, जो भी डिसीजन देना होगा, वो एम को, देन एम एन को, देन एन पी को, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड। ये चेन ऑफ कमांड कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। फ्याल कहते हैं कि ये चेन ऑफ कमांड कम्युनिकेशन के दौरान ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चाओटिक सिचुएशन होगा। चाओटिक क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जो, अगर इसने सीधे ओ से बात कर ली, तो जो इसकी अथॉरिटी है ए की या बी की, इन दोनों की अथॉरिटी डाइल्यूट हो जाएगी, इनकी अथॉरिटी डाइल्यूट हो जाएगी, तो इनका यहां रहना कोई मतलब नहीं रहता फिर, अगर ये ओ से डायरेक्ट बात कर लें तो, ठीक है। इसलिए ये ऑर्गेनाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेन ऑफ कमांड हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब सी को पी से कोई इश्यू हो, सी को पी से इश्यू हो, ऐसे केसेस के लिए अगर हम वही चेन ऑफ कमांड फॉलो करें, तो सी क्या करेगा बी से, बी क्या करेगा ए से, ए ओ से, ओ एम से, एम एन से, एंड एन पी से, ठीक है। देन पी विल रिस्पॉन्स टू एन, एन विल रिस्पॉन्स टू एम, एम ओ, ओ टू ए, ए टू बी, एंड बी टू सी। ये बहुत लंबी और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चेन ऑफ कमांड होगी। ऐसी सिचुएशन में जो पर्पज है, इतने टाइम में तो पूरा का पूरा पर्पज ही लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया गैंग प्लैंक का। गैंग प्लैंक क्या होता है,
अगर सी को पी से कोई इश्यू है, कोई कोई काम है जो रिजॉल्व करवाना है, सी को पी से कोई काम है, तो ऐसी सिचुएशन में सी बी से बात कर सकता है एंड पी जो है एन से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इनसे कम्युनिकेट करेंगे और इनके अप्रूवल के साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सी और पी बी और एन के अप्रूवल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? ए टेक्निक ऑफ जंपिंग द चेन ऑफ कमांड, ठीक है। और ये सर्टेन सिचुएशन में ही किया जाता है, ना कि जनरल सिचुएशन में, ठीक है। सर्टेन सिचुएशन क्या है? जब सी को पी से बात करनी हो, सेम लेवल की हायरार्की में बात करनी हो, ठीक है, सेम लेवल की हायरार्की में कोई इश्यू हो। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? प्लेसमेंट। यहां पे ऑर्डर का मतलब है प्लेसमेंट। यहां पे ऑर्डर का मतलब है प्लेसमेंट। क्या है? राइट पर्सन एट राइट प्लेस। आपने देखा होगा टेलर ने भी बात किया था साइंटिफिक सिलेक्शन का, पर्सनल के साइंटिफिक सिलेक्शन का। उन्होंने कहा था कि जो है वो ऐसे पर्सन को सेलेक्ट कीजिए जो उस पर्टिकुलर पोजीशन की स्किल रखता हो या इतना पोटेंशियल हो कि उसकी स्किल ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप की जा सके। यहां भी वही बात है, प्लेसमेंट, प्लेस राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ठीक है। किसी भी जो जो इसकी स्किल हो, अगर ये टास्क है, इस टास्क में जो रिक्वायर्ड स्किल है, ये पर्सन है, इसके पास वो स्किल है, तभी इस पोजीशन पे इसको रखा जाए, अदरवाइज इसको दूसरे पोजीशन पे डाला जाए जिस पोजीशन पे इसकी स्किल मैच करती हो, ठीक है। प्लेसमेंट। इक्विटी। इक्विटी जो है यहां पे रेम्यूनरेशन से ब्रॉडर टर्म है। इक्विटी का यहां मतलब हो गया कि इक्विटी ऑफ इक्विटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड। जो किसी इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्रोपोर्शन में ही उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके प्रोपोर्शन में ही उसका रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ठीक है। यह इक्विटी का मतलब है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, द 12th वन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब हुआ कि किसी भी मैनेजमेंट को क्या करना होगा, मैनेजमेंट को किसी भी इंप्लाई, किसी भी वर्कर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको स्टेबिलिटी देनी होगी, उसको जिससे वह उस पोजीशन के लिए एक्सपर्टाइज हासिल कर सके, उस पर एफिशिएंटली काम कर सके और वो एबल हो इस काम को समझने के लिए और यहां पे एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो है प्रोफेशनल बेस पे होना चाहिए। फेल जोड़ते हैं उसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ जो टेन्योर होना चाहिए वो इमोशनल रीजन पे नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोफेशनल रीजन पे होना चाहिए। 13th वन, इनिशिएटिव। इसमें कहा फेल ने कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्कर्स है खुद इनिशिएटिव लें, नए इनोवेशन हो, नए इनिशिएटिव्स लें और उसको उसको फॉलो भी करें, ठीक है। 14th इज एस्प्रिट डी कॉर्प्स। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब हो गया हार्मोनी। टेलर ने मेंटल रिवोल्यूशन की बात की थी, आपको याद होगा, टेलर ने मेंटल रिवोल्यूशन की बात की थी। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स हैं, इंप्लाइज हैं, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब उनके सभी यूनिट्स के बीच में हार्मोनी होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो एफिशिएंसी है वो अफेक्टेड होगी और जो प्रोडक्शन है वो हमेशा जो है घटेगा, हमेशा जियोपर्डाइज होगा, ठीक है। तो 14th वन इज एस्प्रिट डी कॉर्प्स। मैंने पहले भी कहा था कि टेलर या जितने भी थिंकर्स होंगे उनको हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। आप एक चीज पढ़ के भूल नहीं सकते, ठीक है। आपको हमेशा टेलर को याद रखना होगा, नेक्स्ट अब हेनरी फेल को याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगले थिंकर में फिर ये काम आएंगे। अब हेनरी फेल एंड टेलर दोनों को याद रखना होगा, अगले थिंकर में दोनों काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।